का दरवाजा कहाँ है? पता नहीं यार कहाँ है। ये क्या है, हम तो दुनिया की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल घूमेंगे या अंदर भी जाएंगे? सर यहाँ से अंदर आइए। अबे येड़ा समझा क्या, चल बैठ। हाउ डेयर यू भैया, आप हो? पहचान नहीं पाई ना? आप तो सच में पक्के बिजनेसमैन लग रहे हो। आप डरना मत दीदी, अगर उसने ना कहा ना तो हड्डी तोड़ के हाँ करवाएंगे। मुच्छर कहीं का, मुंह खोला तो तेरी जबान खींच लूंगी। शिवानी, शरद कुमार कहाँ है? मेरे को सीधा जाना है। बंद रख और जो बोला है वो कर। मैं एक इम्पोर्टेंट काम से जा रहा हूँ, तुम्हें काम क्या ये बताओ। ज्यादा होशियार मत बन किंग। कौन किंग, किधर का किंग? ए, चल गाड़ी हुआ। गन्स मुर्गन्स और गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? अरे गर्लफ्रेंड की फैमिली वहाँ मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। भाई पकड़ लिया उसे। नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिला के इंडिया बनता, जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। बीच में ये किंग कहाँ से टपका? ए किंग, उड़ा डालो इसे। बात है, अभी तक नहीं आया, ट्रैफिक में किसी से झगड़ा तो नहीं कर बैठा? झगड़ा झगड़ा हो तो वो खुद ही पिट जाएगा। एक बात बताऊं आपको, वो खून देख लेना तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। अगर रॉन्ग नंबर लगता है तो सॉरी बोल के फोन रख सकते हो, लेकिन अगर रॉन्ग आदमी को छेड़ोगे तो सॉरी बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। ये शरद भी ना, ओ आ गया। यू आर लेट, मेरे भैया कब से इंतजार कर रहे हैं? भैया? हाँ
भैया के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं। उन्होंने ही मुझे पढ़ाई के लिए मामा के पास भेजा था। तुम्हारे भाई साहब करते क्या? हार्डवेयर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। चलो तुम्हें उनसे मिलवाते हैं। भैया भैया ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद ये है मेरे भैया ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन। यार ये तो भूकंप से भी बड़ा झटका है। बातचीत से तो एकदम मदर टेरेसा लग रही थी, लेकिन ये तो हिटलर की बहन निकली। वो तो ठीक है, पर आप वहाँ से निकले कैसे? बताता हूँ भैया, ये है शरद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शरद दिस इज माय ब्रदर ज्ञानेश्वर, हार्डवेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस मैन। हाउ डू यू डू? क्या रे रघु रोकड़ा, शरद बनकर तू मेरी छोटी बहन को उल्लू बना रहा है? हाँ, आप किससे बात कर रहे हैं? अबे तुझसे बात कर रहा हूँ। मुझसे? तुझसे रघु रोकड़ा। भैया ये क्या कह रहे हो, इनका नाम रघु रोकड़ा नहीं शरद है। अभी पता चल जाएगा कि ये शरद है। शरद, शरद। अरे शिवानी, ये मेरे लिए 10% पर काम करने वाला रघु रोकड़ा है, कोई शरद वरद नहीं है ये। शरद ये आप क्या कह रहे हैं भैया, इसे मामा जी के दोस्त गोपाल राव जी ने भेजा था। मैंने इसका ऑफिस देखकर इसके 100 टेस्ट लेकर इसे चुना और आपने सारे किए कराकर पानी फेर दिया। अगर किसी लड़के को पता चल गया कि मैं आपकी बहन हूँ तो कोई पढ़ा लिखा लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। इतने दिन मैं ये जताती रही कि मुझे गुंडों से नफरत है, कितनी मुश्किल से पटाया था और आपने सब गड़बड़ कर दिया। खानदान गुंडों का और बातें गांधीगिरी की, इसके मुँह पे पानी मारो और जगा इसको। शरद आर यू ओके? आपने तो कहा था कि ये हार्डवेयर बिजनेस में है, तो ये गन क्यों, और ये रघु रुकड़ा कौन है? शहर का मशहूर गुंडा है। एकदम आपका डुप्लीकेट। पर ये गन क्यों? भैया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इसलिए उन्हें हमेशा जान का खतरा रहता है, तो सिक्योरिटी के लिए गन रखी है। ये खतरे, ये गन्स, मैं कुछ समझा नहीं। और समझ भी मत, हार्डवेयर बिजनेस वालों के साथ मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है। चलो रे। सॉलिड आइडिया है उसका। क्या बात कर रहे हैं? नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते, रघु कहाँ है? जी भाई, जी वो? जी क्या कर रहा है बे, कहाँ है वो? वो सो रहे हैं। वो कोई राजा महाराजा जो अभी तक सो रहा है, जगाओ साले को। उन्हें मत उठाइए यार भाई। नहीं, नहीं, ए, उठ, उठ। खाना नहीं खाया क्या बे, खींचो से। साले को होने बे ज्यादा चर्बी। पार्टनर तू यहाँ, तू अपनी कमीशन लेने के लिए आया क्या? नहीं, कंफर्म करने आए थे। क्या कंफर्म करने? चुप बैठ यार। रघु तू रात 10:30 बजे किधर था? काला चौकी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में? क्रेडिट कार्ड की वसूली में एक एसीपी के साले को धमकी दे डाली, इसलिए रात भर लॉकअप की हवा कर रहा था। अच्छा। हाँ, एसीपी रमेश को फोन लगाओ। हाँ भाई। हाँ रमेश, तूने किसी रघु रोकड़ा को अंदर किया था क्या? खाली अंदर नहीं किया, ऐसी जगह मारा है कभी बैठ नहीं पाएगा। मेरे साले को मारना है साले। अच्छा ये बता कि तूने उसे वहाँ से कितने बजे छोड़ा? मैंने उसे ठीक 10:45 में छोड़ा भाई। पक्का ना? 100%। अरे रघु, पूरी रात जब उन लोगों ने लॉकअप में तेरी पुंगी बजाई, तब तूने उनको ये क्यों नहीं बताया कि तू ज्ञान भाई का आदमी है? तेरे को लगता है ऐसा करके वो जिंदा बचेगा? जबरदस्ती का भूल वचन दे रहा। समझ में नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूं, उस पे या इस पे। चलो रे, चलो निकलते हैं। फिर मिलते हैं रघु भाई। बच गए। ये साला, इन दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती कैसे हैं? अरे मैं बताता हूँ ना भाई, पता है दशहरे वाले दिन मैंने टीवी पर एक पुरानी फिल्म देखी थी, उसमें एक बहुत बड़ी रॉयल फैमिली थी भाई। उस फैमिली में बहुत टाइम के बाद किंग कैट ट्विंस होते हैं। ये ट्विंस क्या होता है? बच्चे भाई। अबे अंग्रेज गए तुझे छोड़ गए, हिंदी बोल। उनके जन्म की खुशी में एक पार्टी होती है, तब एक तूफान आता है और सबको बहा ले जाता है। आगे की स्टोरी मुझे मालूम है। दो बच्चों में से एक टिंगू नरसिम्हा को मिला जो रघु रोकड़ा बन गया, और दूसरा अच्छे परिवार में पला जो मेरी बहन को पसंद आ गया, और वो है शरद। बिल्कुल सही भाई। हाँ भैया। जरा मुझे शरद का एड्रेस तो दे। अरे उसे कमीना रघु रोकड़ा समझकर मैंने उसकी इज्जत का भाजी पाला कर डाला, जाकर उससे माफी मांग लेता हूँ। लंच टाइम पे कौन आ गया? नौकरी से निकलवाकर पेट नहीं भरा तो घर चलाए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरा नाम और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। दुनिया में तू ही एक शरद है क्या? रघु रोकड़ा भी तो दो है ना। इसलिए तो दूसरे को पुलिस स्टेशन में रात भर जूते और डंडे पड़े। अरे शरद कौन है? मैं समझा यहाँ तो अकेला है, लेकिन यहाँ तो पूरा डेली सोप है। बिल्कुल सही सर, ये दोनों मेरी लाइफ में एपिसोड नंबर 1 से हैं। लेकिन अब इनका क्या करूँ? कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी दादी माँ अंधी और दादाजी सुन नहीं सकते। ये तो बड़ी काम की फैमिली, दादी की आंखें नहीं, दादा के कान नहीं, और तेरे पास भेजा नहीं। ये फैमिली आप ही के लिए बनी है सर।
अरे बाबा ये सब कौन लोग हैं? फ्रेंड्स, मेरा नाम शरद है। अच्छा, ओहो, इस लल्लू की तरह तुम भी शरद हो। वैसे तुम सब फ्रेंड्स यहाँ क्यों आए हो? शरद को देखने के लिए लड़की का भाई आपके घर पर आ रहा है। अच्छा अच्छा। ओह नो, वो जब जब तुम्हें देखने आएंगे तुम यहाँ घुसाओगे। अरे लल्लू सुन। दादी, लल्लू यहाँ। याद रख, मैं देख नहीं सकती, ये सुन नहीं सकते, पर उन्हें मत बताना और तन के रहना लड़की वालों के सामने। अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों अंधे बहरे हैं तो वो भाग जाएंगे। सही कहा आपने। और एक बात, तुम मेरे साइड में ही बैठना ताकि मैं तुम्हें चुपके से इशारा कर सकूं और उन्हें शक भी नहीं होगा। लो, लगता है वो लोग आ गए। चलो चलो जल्दी जाके बैठ जाते हैं। कहां? कैसे? भैया, यहाँ कैसे आना हुआ? शरद कुमारी है भाई। दिख रहा है, वो क्या है कि जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। कोई बात नहीं, आप थोड़े कंफ्यूज हो। तभी तो आया हूँ ताकि तुमसे माफी भी मांग लूं और तुम्हारे परिवार वालों से भी मिल लूं। ये कौन है? शरद है। ये शरद है? ये भी शरद है, मेरा दोस्त। अरे यार, वहाँ शक्लें मिलती थी, यहाँ नाम मिलते हैं, क्या कंफ्यूजन है। अपने घर वालों से तो मिलवाओ। ये ज्ञानेश्वर जी है, अपनी शिवानी के भाई है, उस दिन के लिए माफी मांगने आए। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे शरद, तुम मेरे पास बैठो। मैं मेरे बच्चे की तारीफ नहीं कर रही, पर ये हीरा है और देवी माँ का भक्त। हाँ हाँ, भक्त है, भक्त है। दादा, दादी, मैंने शरद के लिए जो रिश्ता भेजा था ना, उसे कैंसल ही समझो। उन लोगों ने शरद को बहुत गालियाँ दी। इसने आपको नहीं बताया पर मुझे रो रो कर बता रहा था, भूल जाओ उन्हें, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता ला कर दूंगा। अरे गोपाल राव, गुस्सा मत करो, होने वाली बहू का भाई माफी मांगने आया है। गोपाल राव जी, नमस्ते। नमस्ते, आगे से अच्छी तरह सोच समझ कर बोला करो। अरे मैंने क्या कहा? छोड़ो। अच्छा ये कौन है? शरद। ये भी शरद है? हाँ ये भी शरद है। शरद की आवाज कैसे बदल गई? मेरा लल्लू कहाँ है? मुझे सोच समझ कर मैनेज करना पड़ेगा। अरे साहब, आप तो सिर्फ नामों से परेशान हो गए, मैं तो फेस देखकर चक्कर खा गया था, इसीलिए तो मिस्टेक भी हो गई। शरद, तुम्हें देखकर एक बात दिमाग में आई है, तुम हैंडसम हो, तुम्हारे लिए भी एक लड़की ढूंढता हूँ। शरीफ आदमी होकर ऐसी बात करता है? बात पक्की होने के बाद दूसरे रिश्ते की बात कर रहा है? क्यों, हम दूसरा रिश्ता नहीं देख सकते? हाँ। बिल्कुल नहीं। मगर क्यों नहीं देख सकते? मैं बताता हूँ क्यों नहीं देख सकता। चल बाहर, चल चल। क्यों, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तू शरद के लिए इससे अच्छा रिश्ता देखेगा? मुझे धक्का क्यों दे रहे हो तुम? लड़का दिखने में स्मार्ट है, इसलिए मैंने कहा ज्यादा अच्छा रिश्ता देख देता हूँ, इसमें बुराई क्या है? ए, तू हमें सूट बूट में देखकर सॉफ्टवेयर डीलर समझ रहा है? तेरी क्या कर लोगे तुम, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? सारा मुझे चैलेंज कर रहा है। श्री, इसको खोपचे में ले जाकर फिक्स डिपॉजिट में डाल के रख। क्या हो रहा है? कंफ्यूजन ड्रामा। मैंने तुझे मेरे पास बैठने को कहा था शरद। बेटा पोजीशन चेंज कर लो। दादीमा, वो आ रहे हैं। डोंट मूव। मैंने गोपाल राव को समझा कर भेज दिया है, कोई शुभ दिन देकर तारीख पक्की कर लेते हैं। क्या बोलते हो दादाजी? ठीक है ठीक है। अरे आप हर बात दो बार बोलते हो। हाँ, हाँ। शरद कुमार, एक मिनट आओ ना। दादीमा हाँ। चलता हूँ। अच्छा बेटा। अरे गधे, तेरा साला तेरे साथ गेम खेल रहा है, उसे तेरे से ज्यादा तेरे फ्रेंड में इंटरेस्ट है। इतनी दूर की भारी भरकम बातें अगर सोचोगे तो कंफ्यूजन से निकल लोगे। ठीक है ठीक है लल्लू। क्या है? अरे तुम खुद ही देख लो। ये पेंटिंग किसने बनाई? एमएफ हुसैन ने या रवि वर्मा ने? तुम्हारे साले ने। आपके छोटे भाई ने? अरे नहीं, मैंने। हाँ, आपने? I can't believe this. Amazing. Beautiful. देख लिया तुम लोगों ने, शरद बाबू इंजीनियर है और असली आर्ट को समझते हैं। वो सड़क छाप रघु रोकड़ा क्या जाने कि असली आर्ट क्या है। साले साहब, ये रघु रोकड़ा आदमी है? वो मनुष्य आदमी नहीं, गटर का ढक्कन है। साला पैसों के लिए मर्डर करता है, नाली का कीड़ा है, घटिया आदमी है। छी छी छी। पर ऐसे खुशी के मौके पर उस कमीने की बात क्यों करें? मुझे बहन को खुशखबरी देनी है, तो अब मैं चलता हूँ। जी अच्छा, अपना ख्याल रखना। आपने देखा भाई, दोनों भाई बहन कैसे नाटक करके आपको गालियां दे रहे हैं। ड्रामा स्टार्ट उन्होंने किया है, पर दी एंड करूंगा मैं। शरद कौन और रघु कौन, इस चक्कर में डाल के ऐसा घुमा डालूंगा कि उनका हो जाएगा भेजा फ्राई।